ये है उनका गांव। इधर से पूरे चीड़ के पेड़ हैं, ये ऊपर से आए हम यहाँ से। यहाँ से तो नीचे को आए जाते हैं हम, यहाँ से गाड़ी में आए। इधर को तो ऐसे सही है, ये यहाँ से आए हैं हम। पहुंच गए बल्दी खान, और यहाँ पे पता नहीं कहाँ को जाना है, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बैठे हैं स्कूल के बच्चे। हेलो दुगड़ी, नमस्कार, मैं हूँ धना, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं सुबह 5 बजे से कर रही हूँ ब्लॉगिंग, और मैं आज रेडी होके मैं कहाँ को जा रही हूँ आपको ले चलती हूँ साथ में। मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के गली में। एक तो इतना अंधेरा हो रखा है कि अकेले जा रही हूँ मैं इधर को। नीचे रोड में जाती हूँ, वहाँ से भी बस में जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। देखते हैं कहाँ बस मिलती है, गाड़ी मिलती है, फिर आप बने रहे मेरी वीडियो में। पहाड़ में जा रही तो पहाड़ में दिखाते रहूँगी आपको पहाड़ का सीन। ये लोग आ गए हैं, यहाँ पे मिल चुके हैं हम, और अभी पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, फिर एक दो और आएंगे तो मिल ही जाएंगे। हम आए गए हैं, तीन लोग आ गए हैं, अब हम आगे को बस में बैठते हैं अभी, फिर मिलेंगे सीधा हल्द्वानी। ठंड से धुकधुकाहट हो रही है इसको, तो ठंड से धुकधुकाहट हो रही है। 3 बजे उठ गई है ये, 3 बजे से आप पहुंची। मैं 2 बजे उठ गई, 2-3 बजे तो हम भी उठ गए हैं। ये पूरा दिन का खाना और सुबह का खाना बना के आई है, पूरा खाना बना के रेडी बना के पहुँच गए हैं बस स्टेशन हल्द्वानी। हम जा रहे हैं यहाँ से बस में, दूसरी बस पकड़ेंगे। ये आ रहे दोनों अभी दूर सेकते हुए, हम बैठ गए हैं बस में, आगे मिलेंगे आपको। यहाँ पे है दुकान, दुकान से थोड़ा सामान रखते हैं तब जाके चलते हैं हम। आ चुके हैं दुकान में, गए थे दुकान से आ गए हैं। सूरज आया हमें लेने, अभी दिखा। यहाँ पे माया और सूरज खड़े हैं, सूरज आया लेने के लिए। सूरज ले जाएगा हमको आज इसमें। सूरज गया कुंती को लेने, हम पहुंच गए यहाँ पे। माया कैसा लगा ये पहाड़? बहुत ही सुंदर, मजे आ गए, और ठंड से भी। और देंगे, और कहाँ बताया था और कहाँ पहुँच गया हम। ये है हमारे फल की पेड़, और बहुत जो पत्ते ने बना रहा हूँ। ओ यार इतने देखे तो गजब वाले नाची मोड़। हमको जाना है यहाँ से नीचे। हम तो पहुँच गए हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, नैनीताल। नैनीताल से नीचे को ही है बल्दी खान तो उधर को रह गया। वो अभी सूरज लेने के लिए गया है कुंती कोरंगा को, और हम चलते हैं। आप ये नीचे को रास्ता है बता रहा है, और हम जा रहे हैं नीचे। दोनों पैदल बदल जाते हैं, वो स्कूटरी में आएगी माया और मैं जाते हैं। तब तक पहाड़ी बाट में, इधर का पहाड़ी रास्ता, और हम इस रास्ते से जाएंगे। वो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ पूरा जंगल है देखिए। सारे मेहमानों को लेने के लिए आ रहे हैं बच्चे। हाँ यहाँ से तो मेहमान आ ही रहे हैं इनके। चलो अब नीचे, यहाँ से तो मकान दिखेंगे नहीं, थोड़ा आगे जाते तब दिखाएंगे आपको मकान। कुंती करूँगा तो चले गए कुंती ब्लॉगर। ओ वहाँ सूरज ने गाड़ी में नीचे ही उतार दिए है, और हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ मकान है, आ गए हम गांव में। माया आगे से जा रही है, हम भी पहुँच ही गए हैं गांव के नजदीक। पता नहीं घर कौन सा है, जाहिर है, फिर दिखाते रहेंगे आपको आगे को। ये है उनका घर, हम पहुंच चुके हैं उधर। ये है पहाड़ी तुषार, तुषारों का पेड़ है। नहीं पागरों ने, ये पकता है ना तब खाते हैं इसको। ये
यहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे ये देखो दुल्हन बनिया आज फुर्सती नहीं है काम करने से। यहाँ पे हम लगा रहे हैं कितना सुबह तैयार होके देखो काम काम कर गया अभी पिछोड़ा भी सही नहीं हो दिल लग रहा है नजर नहीं लागोगे यहाँ पे ना मेहमानों को सबको टीका लगाया जा रहा है। जितने भी हमारे बचपन में आएंगे ना मेहमान, इतने मेहमान आए हैं सबको टीका लग गया है। हमको तो हमारी सहेली की सास ने लगा दिया है टीका। और ये चारों बैठ गए हैं यहाँ पे बचपन में, इनके ना लड़के का और देवर के लड़के का दोनों का बचपन है और दोनों भाइयों का बचपन कर रखा उनकी सास ससुर ने एक साथ कर रहे हैं। और हमारे पहाड़ी रीति रिवाज कैसी होती है, बचपन कैसे होता है, आप मेरी इस वीडियो में बने रहे। हमारे पहाड़ी में ना बच्चों के कान छेदे जाते हैं, अभी इसके कान ना थोड़ा सख्त हो रखे हैं और अभी उनके बेटे का कान छेद रहे हैं। देखिए कितने मजाक कर रहे हैं, मुंह में यहाँ लड्डू डालते तब जाके कान छेदते हैं। पंडित जी इतना मजाक कर रहे हैं और उनके मुंह में रसगुल्ले डाल रहे तब जाके उनके कान छेद रहे हैं दूसरे पंडित जी। फिर इनकी बारी आएगी छोटे वाले की, देखो इनके तो दोनों कान छेद दिए हैं फिर भी इनको हंसी आ रही है। और जो छोटा वाला है ना वो डर के मारे इतना काम रहा है, अभी इतना दर्द हो गया उसको एक दफे तो आप दोबारा छेदेंगे इनका। यहाँ पे देखिए अभी दूसरा कान छेद रहा है, दोबारा भी लड्डू उसके मुंह में डाला जा रहा है और एक दफ़े एक लड्डू खा लिया तो उस कान को छेड़ा दायां कान, अभी बायां कान छेद रहे हैं और उसके साथ इतना मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे ना हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे औरतें कीर्तन भजन भी कर रहे हैं, अभी कान छेद रहे तो उनकी उनके पीछे ही कीर्तन भजन कर रहे हैं और अभी उनका कान भी दूसरा भी छेद चुका है। यहाँ पे खुशी के मारे ना सब तालियां फिरने लगे हैं। अब है छोटे वाली की बारी और छोटा वाला इतना डर रहा है ना, उसके पापा भी उससे मजाक कर रहे हैं और वो कह रहा मेरे को इतनी डर लग रही है करके। और उसका कान अब अभी दायां कान छेदा जा रहा है, अभी दूसरा कान है उसका, अभी तो फर्स्ट कान में वो डर गया बहुत। कान भी बहुत सख्त हो रखा है और उसको इतनी दर्द हो रही है देख सकते हो आप, अभी छेदा ही नहीं है, अब दोबारा छेदेंगे, अभी छेद ही नहीं रहा उसका कान। भजन चल रहे हैं और अभी बच्चों के कान छेदाई चल रही है। छोटे वाले की बारी है, क्या खा रहा है अब छोटे वाले के कान छेद रहे हैं। ये देखिए इतना मोटा धागा से कान छेद रहा तो इतना दर्द हो रहा उसको, अब लड्डू खाएगा या रोएगा वो पता नहीं।
उसके बाबा उसके मुंह में लड्डू डाल रखा है और वहाँ से पंडित जी उसके कान छेद रहे हैं, ये छेद दिया उसका कान। दर्द तो हुआ हुआ, उसने लड्डू भी पूरा खा दिया है। यहाँ पे पंडित जी गांठ मार रहे हैं उसके कान के धागे पे, गांठ लगा देंगे ना तब ये खुलेगा नहीं, फिर दूसरा कान छेदेंगे। अभी दूसरा कान भी छेद दिया है, बहुत दर्द हो गई उसको। यहाँ पे अब बच्चे बैठ गए हैं अपने जनेऊ में, यहाँ अभी उनको पढ़ाया जाएगा, शिक्षा दी जाती है और माता से भिक्षा लिया जाता है, बहुत ही पूजा पाठ होती है यहाँ पे। अभी बैठे हैं बच्चे, दोनों बच्चे सीख रहे हवा को खा, मम्मी पापा का नाम। उसके बाद जो बालक है पानी नीचे छोड़ दीजिए, जलन गृहीत्वा पशु के हाथ में जो है चुनाव रखते जलन गृहीत्वा कुमार से कृष्ण जलन गृहीत्वा आचार्य गोपिन धान सभी जो गई थे इंद्रादी इंद्रादिश्य बृहस्पति छंदो दृष्टि वास परिधाने विनियोग पानी छोड़ दीजिए मेखला बृहस्पति कर सय हर्य दधा बालक अपने हाथ में जल ले लीजिए जन्म गेता ओ किया ऋषि छंद छो मेखला देता मेखला बंधने विनियोग मंत्र उत्तम परिभाषम वर्ण पवित्र पूर्वातम प्राणाध्याम देवांश भगवान मेघा जी मंत्र से जो है तीन बार लपेट करके बालक इसमें गांड लगा लियो जो कि धीमो सुनो जाए श्री पर्व
आप जो है इसमें जो है तीन या पांच गांठ रहेगी, आपकी जो है आप थ्री बार बार गए तो आपके उसमें तीन ही गांठ होती है। फिर जाता है शिवा को ऐसे घुमा दीजिए, दोनों हाथों से घुमाइए, जैसे कि इसमें अभी तो गाने की बात छूट है, ऐसे घुमाइए दोनों हाथों से, चुटिया बनानी चुटिया बनानी हुई ऐसे हो गया। शंकर पर मिला बालक के हाथ मार के देगी, चलो बालक हाथ आ गया, धनमान के अपना जो है अधिवास और इनको जो है कर्म योग्य बना रहे हो, और जिन्हें वहाँ पर जनेऊ रखे हैं जनेऊ की दप्ति रक्षा मेरे दीजिए, मेरे भुगतान की रक्षा दीजिए, कुछ लगा करके वो लगाइए आचार्य राशि हूँ तक्षण जन्म हाथ में जो है जनेऊ की प्रतिष्ठा करके हमने पानी के लिए जन्म के तहत यज्ञ विधि विधि परमेश्वर श्री कृष्ण चंद लिंग दो सौत इसमास कर्मा अनुसार अधिकार सिद्ध थे कर्मा द्वारा सिद्ध थे यज्ञ पवित्र परिधान विनियोग पानी छोड़ दीजिए। अब जो है जनेऊ हमेशा जो है आपका जो है दाया हाथ कहाँ है इसको ऊपर को कीजिए, फोटो वाले उधर से फोटो वाले उधर से जय श्री राम। ये बात भी सुन ले पड़े हैं ना वो भाई दबा लो ये रहने दो और जो जो मार पाए काम पाए काम और काम में सहज सुन साथ में जय श्री राम मैं ना घर पे पहुंच गई हूँ और आते आते सारे दिन इतना थकान लग गई है। लोगों को कैसे लगा हमारी पहाड़ी संस्कृति और हमारे पहाड़ी कल्चर कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो ना बहुत लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दूसरी वीडियो के आने तक इंतजार करना। तब तक के लिए ओके बाय।